फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं टिक्की और स्वागत है आपको मेरे चैनल टिक्कीज टिप्स एंड ट्रिक्स में। कैसी लग रही हूँ मैं? आप सोच रहे होंगे हमेशा बिना मेकअप में आती है, आज क्या लिपा पोता करके आ गई है। जी, मैं भी औरत हूँ, मुझे भी सजने धजने का मन है, हक है, जो कि मेरा बेबी है। इसीलिए मैं हर वीडियो में ऐसा मेकअप करके, मुझे वक्त नहीं मिलता है मेकअप करके, मैं कैमरे के सामने आऊँ फिर तैयारी करूँ, ये सब का वक्त नहीं मिलता है। इसी दिवाली स्पेशल वीडियो है दोस्तों, तो सजना तो हक बनता ही है। तो फिर चलिए देखिए, मैंने ये कॉटन का साड़ी लिया है, कॉटन का, प्योर कॉटन का साड़ी है ये। आपको पता ही होगा दिवाली में हमेशा कॉटन का कपड़ा ही पहनना चाहिए, खुद भी पहनो और घर के सारे मेंबर्स को भी कॉटन की कपड़ा ही पहनने को बोलिए, क्योंकि हमारा जो दिवाली है वो तो रोशनी का त्यौहार है, जो कि हमने उसको पॉल्यूशन भरा त्यौहार बना दिया है। इसीलिए मतलब बच्चे तो मानेंगे नहीं, वो हैं तो पटाखे जलाएंगे तो जलाएंगे ही, तो इसीलिए तो सिंथेटिक कपड़ा या फिर लाइलन का कपड़ा वो थोड़ा बहुत ख़तरनाक है। अगर बाई चांस वो पटाखे का थोड़ा सा भी वो लग जाए कपड़े में, तो कॉटन का कपड़ा तो बुझाने में आसानी होती है, पर वो लाइलन और सिंथेटिक कपड़ा ये बहुत मुश्किल होता है, वो बॉडी से पूरा चिपक जाता है। तो हो सके तो कॉटन का कपड़ा इस दिवाली यूज़ कीजिए, जो कि मैंने इतना मेहनत की है, खड़े होके भी आपको दिखा देती हूँ कैसे लग रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने ये सब की तैयारी कैसे की उस पर आएंगे। चलिए फिर अभी साड़ी पहनना शुरू की हूँ मैं। वही नॉर्मल तरीके से पेटीकोट के ऊपर एक राउंड लपेट कर फिर जैसे आंचल को घुमाते हुए उसका प्लीट बना रही हूँ। उसके बाद पल्लू को आगे के तरफ डाल के अच्छे से पिनअप कर दूँगी। उसके बाद सामने के पल्लू को अच्छे से सजाते हुए यहाँ पर भी एक पिन को साड़ी के अंदर के तरफ से अच्छे से अटैच कर दूंगी। उसके बाद इस तरह से साड़ी के बॉर्डर को लटकाते हुए सामने के तरफ लाएंगे, जहाँ पे हमारा प्लीट बनता है वहाँ तक लाके उसी के पास पिनअप कर देंगे। अभी मैं अपने तरीके से प्लीट बना लूँगी। बन गया मेरा सारा प्लीट। अभी मैंने प्लीट को साइज करके अंदर डाल दिया। फिर यहाँ पर एक पिन लगा के मैं सिक्योर कर देती हूँ। फिर आप इस तरह से पीछे के बॉर्डर और सामने के पल्लू के बॉर्डर को मिलाते हुए पीछे के तरफ लेके जाइए और अच्छे से साइज करके पीछे के तरफ पिनअप कर दीजिए। ये लीजिए, हमारा अच्छे से सेट हो गया। अभी आगे के पल्लू के प्लीट्स को भी अच्छे तरह से थोड़ा साइज कर दीजिए और थोड़ा सिक्योर करने के लिए यहाँ पे भी एक पिन से आप सिक्योर कर सकते हो। ये देखिए, लगभग मेरा साड़ी पहनना ख़त्म हो गया, देख सकते हो आप। बस मैंने ब्लाउज चेंज करना बाकी है, ब्लाउज के साथ पहनोगे तो और भी मस्त लगेगा। ब्लाउज के साथ अच्छी तरह से पिनअप करके पहनेंगे तो कुछ इस तरह का लुक आएगा आपका। चलिए अब फिर मेकअप की तरफ चलते हैं। चलिए फिर अब शुरू करते हैं फेस मेकअप। मैंने थोड़ा सा सीरम ले लिया,
मैं प्राइमर के जगह हमेशा ये सीरम यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा फाउंडेशन ले लिया मैंने। हाथ से ब्लेंड कर दीजिए। आप चाहो तो जिसमें करो, मैं हाथ से थोड़ा फैला लेती हूँ, उसके बाद ब्रश चलाती हूँ। चलिए हो गया मेरा, कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ। कंसीलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ कर लिया। आप चाहो तो अंडर आई या फिर कोई दाग धब्बा के लिए कंसीलर यूज़ कर सकते हो। ये मेरा एक रेड कलर का ब्लशर है, जो मैं को मैं आई शेडो की तरह भी यूज़ करूँगी, ब्लशर की तरह भी यूज़ करूँगी। थोड़ा सा हाथ से ब्लेंड कर देती हूँ। ताकि कहीं पे ज़्यादा कम हो तो वो एक समान हो जाए। ये लीजिए हो गया मेरा। मैं लाइनर लगाऊंगी। अब मस्कारा, इसी को ही मैं आईब्रो की तरह थोड़ा यूज़ कर लेती हूँ। काजल मैं रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ करूँगी, इसीलिए मैं ब्लैक कलर की लिप लाइनर ले रही हूँ। मेरे दरअसल जो भी डार्क कलर का लिपस्टिक यूज़ करती हूँ मैं, उसमें ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है लिप लाइनर यूज़ करने में। थोड़ा हल्का से मैं देती हूँ, पर ये बहुत अट्रैक्टिव और बोल्ड लुक देता है। बहुत हल्के से लगाना है रेड लिपस्टिक। हो गया सिंदूर। सिंदूर के बिना तो जैसे हर नारी का सिंगार अधूरा है। हो गया सिंदूर।
क्योंकि दिवाली लुक है, ट्रेडिशनल लुक है, तो बिंदी लगाना ज़रूरी है। ये रेड कलर का बिंदी, अभी थोड़ा ब्लशर भी लगा लेती हूँ। बनाने के बाद आप कोई भी नेकलेस पहन नहीं पाओगे, इसीलिए हेयर स्टाइल बनाने से पहले ही आप नेकलेस गले में डाल लो। हो गया मेरा, अब ये रिंग भी पहन लेती हूँ। मैचिंग ज्वेलरी मेरे पास था, बाई चांस मिल गया। ये रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, एकदम साड़ी से मैच करता है। तो अभी बारी आता है मांग टीका और हेयर स्टाइल का, चलो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। हेयर में खोल देती हूँ, मिडिल पार्टीशन निकाल लेती हूँ, मांग टीका को पहले सेट कर लूँगी। चलिए ये लग गया मेरा मांग टीका। इसको मैं हेयर से ढक लेती हूँ। थोड़ा पिन अप कर देती हूँ। ये मेरा पूरा लुक तैयार है। अभी एक चीज़ बाकी रह गया है, ज़रूरी चीज़, मेरा हाथ खाली है, चूड़ी पहनना है मुझे। ये रही मेरी चूड़ी, आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने रेड ग्रीन और गोल्डन के हिसाब से कॉम्बिनेशन किया है। कितनी सुंदर लग गई है ना। ये हो गया मेरा कंप्लीट लुक, तो आप देख के बता सकते हो जो कि इतनी मेहनत की हूँ मैं। आप देख के बताओगे ज़रूर, कमेंट करके बताना मैं कैसे लग रही हूँ। हमेशा मुझको बिना मेकअप के देख देख के बोर हो गए होंगे। तो जूड़ा भी बना सकते हो, जूड़ा बनाने के बाद इसको आप पांचल को ऐसे सर पे देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। फिलहाल मैं उस हिसाब से स्टाइल नहीं की हूँ, बाल खुला छोड़ी हूँ और साड़ी को पिनअप कर दी हूँ पीछे से। तो चलिए ये हो गया मेरा दिवाली लुक। आपको मेरी ये दिवाली लुक पसंद आए या फिर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल के घंटी को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है ऐसे ऐसे न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो फिर चलिए, हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली।